अपर असम एपिसोड नंबर 4 पर आप लोगों को स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आप लोगों को लेके जाऊंगा शिव सागर। अरे जितना भी देर हो जाए, जितना भी लेट हो जाए, आप लोगों को शिव सागर तक लेके जाएंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं दोस्तों ब्लॉग को। वाव दोस्तों अपर असम राइड, ग्रेट फीलिंग लगने वाला है आप लोगों को। बेहतरीन से नजारा दिखाएंगे, बेहतरीन से ब्लॉग देंगे, बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे और मिलेंगे शिव सागर पे। तो दोस्तों क्या आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे को जरूर बताएं। आते आते दोस्तों कुछ अनजान सा शहर पे हम लोग पहुंच गए, अनजान सा टाउन पे पहुंच गए। आई डोंट नो ये टाउन का नाम क्या है। लोगों ने देखा है गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, रोड के साइड पर लोग पत्थर तोड़ते हैं, ठेला ठेलते हैं। हम लोग बहुत कष्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह हम लोग जब ब्लॉगिंग बनाते हैं, हम लोग को बहुत मेहनत का सामना करना पड़ता है। इतना मेहनत हम लोग करते हैं वो सब लोगों को नहीं दिखाते हैं। आप लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे ब्लॉगर के लिए आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। बस एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर कर हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ना तो पैसा जाएगा ना कुछ जाएगा भाई, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मतलब इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। ये भी आपको बोलना चाहता हूँ गाइस, और क्या बोलूँ मैं। बाकी आप लोग सफर को एंजॉय करिए। ये ब्लॉगिंग बनाना भी मतलब आसान नहीं है, मुश्किल है, काफी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। कैसे कैसे हम पैसा इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ मतलब मैं ही जानता हूँ। मतलब जो मिडिल क्लास बंदे है, अगर आप मिडिल क्लास बंदे है तो आप भी जानते हैं कि मतलब पैसा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कितना मुश्किल है पैसा कमाना। दोस्तों राइडिंग करते करते हम लोग अभी पहुंच चुके हैं टियोक पर, और मेरा हाथ में है अभी चाय का ग्लास। और लोगों को बहुत थकावट महसूस हो रहा था, दीदी ने मतलब चाय बना के दिया। पीने के बाद अभी थोड़ा थकावट महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर थकावट हो चाय अगर मिल जाए तो थकावट गायब हो जाता है, आप लोगों को भी पता है। तो एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, प्यास लगे या ना लगे फिर भी हम लोगों को पानी पीते रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट दो रास्ता है, एक इधर जा रहा है और एक इस साइड पे जा रहा है। हम लोगों को जाना है लेफ्ट साइड पर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शिव सागर पर, और इधर से अगर जाएंगे तो हम लोग नागालैंड पहुंच जाएंगे। दोस्तों देख सकते हो शिव सागर जाते जाते हम लोगों को रास्ते में ऐसा नजारा दिखाई दिया कि बाइक को रोकना ही पड़ा, कि बहुत ही अच्छा लग रहा है नजारा देख के, बहुत ही सुंदर नजारा है। ये नीचे में भी रोड बनाया जा रहा है दोस्तों, देखिए अभी ये रोड बहुत ही छोटा है, इन फ्यूचर ये रोड बहुत बड़ा हो जाएगा। वाव देखे कितना सुंदर रिजोर्ट है ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को ठंड लग रहा है, आगे जाके हम लोग जैकेट पहनना पड़ेगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा ऑटो है, मैं जाके जैकेट पहन लेता है दोस्तों। अभी जैकेट पहन लिया ना तो शरीर पे थोड़ा गर्माहट आ गया, मजा आ रहा है। लगता है हम लोग शिव सागर एंटर कर गए। आई डोंट नो the way that you move.
how the lights keep up the groove. We're like in a movie, baby, but it's ending too soon. तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेके सीधा जाएंगे ना, आगे से हमें राइट लेना पड़ेगा, राइट लेके हमारा मंजिल ये रहा शिक्षा कर, यहाँ पे हमें पहुँचना है। सी गाइस लोकेशन देखिए, गाइस हैव अ लुक फ्रॉम हियर, क्या सीन दिखाई दे रहा आगे, वाओ, ओ माय गॉड। शाम का व्यू है, मतलब बहुत अच्छा लगा। दोस्तों देखिए, लगभग पूरा रात हो चुका है एंड हम लोग लगभग शिव सागर पहुँच ही गए हैं। हम लोग शिव सागर में ठहरने वाले हैं, रात को हम लोग रात को भी ड्राइव कर सकते हैं, रात को भी जर्नी तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रात को इसीलिए ड्राइव नहीं करते हैं क्योंकि रात को ड्राइविंग करूँगा तो आप लोग को नज़ारा कैसे दिखा पाऊँगा। ये साइन बोर्ड में मैं आपको रुका देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं डिब्रूगढ़ 77 किलोमीटर, कल पहुँच जाएंगे डिब्रूगढ़। आज हमें शिव सागर पर ही रोकना होगा एंड गूगल मैप में देख लेता है कि यहाँ से और शिव सागर मेन टाउन कितना दूर है। चलो मिलते हैं शिव सागर पर दोस्तों। अभी हम लोग शिव सागर पर पहुँच गए दोस्तों गाइस, एंड यहीं कहीं रूम ढूँढ लेता है, एक ही तो बात होगा है ना गाइस। तो है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को होटल ढूँढने में परेशान हो रहे हैं गाइस, कहाँ पे मिलेगा होटल, यहाँ पे रहने आराम करने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया हो भाई। तो हम लोग फिलहाल अभी शिव सागर होटल वृंदावन पे है, कहाँ पे टिकट काउंटर नीचे में रहते हैं, नीचे वाला ही कर दीजिए। ट्रिपल बेड है, बाप रे बाप, अच्छा हो गया। हाँ गोप्रो है, हाँ हाँ। और बाथरूम देखते कैसे, देख लीजिए बाथरूम तो मेन यही है दोस्तों। फाइनली आपका भाई शिव सागर पे है भाई, ऐसा ठोक रहा है मतलब सच में बहुत भूख लगा था, अभी जाके थोड़ा मतलब दिल को सुकून आया, तो खाते हैं